डियर स्टूडेंट्स, कल 10 नए टॉपिक्स आपको दिए गए थे। कितने टॉपिक्स अब तक कंप्लीट हुए? क्योंकि 10-10 टॉपिक्स एक दिन में करना रियली एक चुनौती है, लेकिन अगर आप इसे कर पाए तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। शाम में 10 नए टॉपिक्स आ जाएंगे, क्योंकि करना तो है, टाइम अब उस तरह से उतना लिबर्टी आपको देगा नहीं कि आप अपने मन के मुताबिक काम करें। इन 10 टॉपिक्स को आपको हर हाल में करना होगा। शाम में 10 नए टॉपिक्स आएंगे और बचे हुए जो भी होंगे फिर आपके लिए वो एक भार हो जाएंगे, जिन्हें आपको हर हाल में कंप्लीट करना होगा, चाहे आप भविष्य में करें। कल आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कुछ थे, लेकिन आज के इस संवाद को करने का उद्देश्य यह है कि हमें पता चल रहा कि इकोनॉमिक्स और बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स आपको भारी पड़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी बहुत टफ सब्जेक्ट है, डेफिनेटली उसमें दिक्कतें आती हैं, साथ ही बिहार से रिलेटेड भी दिक्कतें आती हैं, चूँकि बिहार से रिलेटेड कंटेंट, जो अच्छे कंटेंट्स हैं, उनकी बड़ी कमी है। गिने चुने कुछ बुक्स हैं, उनसे ही सब कुछ पढ़ना समझना है। फिर भी हम आपको प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक्स और बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स को जहाँ तक संभव हो हम आपके संवाद के थ्रू इसको कवर करें, लेकिन आप सेल्फ स्टडी को बिल्कुल ना छोड़ें। जो आप पढ़ेंगे उसका कहीं पर तोड़ नहीं है। आपको अपने से पढ़ते समय समझ में भी आएगा, थोड़ा बहुत ये लगेगा कि हमने इसे पढ़ा था, समझा था, देखा था, वो जो लाइंस होते हैं वो आपके दिमाग में लाइंस बनाते हैं। तो एनीवे, आज का जो बिहार का टॉपिक था वो था बिहार की राज व्यवस्था, उसमें विधायिका यानी लेजिस्लेचर था। कल के टॉपिक में कार्यपालिका था, एग्जीक्यूटिव था। अगर आपने उसे छोड़ा तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से रिलेटेड टॉपिक छूट गया। तो ये आपको समझना है कि एक भी टॉपिक छूटेगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। आज जब विधायिका यानी लेजिस्लेचर हम लोग करेंगे, क्या आपको पता है कि बिहार में पहले विधानसभा बनी या विधान परिषद? विधानमंडल का बिहार में स्वरूप क्या है? पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? और बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो ये सब आपको जानना चाहिए इस विधायिका में। आज हम लोग देखेंगे, छोटे से शॉर्ट स्पैन में समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल ये क्या है। किसी भी राज्य का विधानमंडल यानी विधायिका बनता है उस राज्य के गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषदों से मिलकर। जिस तरह से संसद बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर, उसी तरह से बिहार में विधानमंडल बनेगा राज्यपाल यानी गवर्नर, विधानसभा यानी स्टेट की असेंबली और विधान परिषद यानी के लेजिस्लेटिव काउंसिल से मिलकर। तो भारत में, बिहार में जिस विधायिका को हम लोग पढ़ेंगे उसमें पहला है विधानसभा। ये विधानसभा कब गठित हुई थी? बिहार की विधानसभा 1937 में अपने अस्तित्व में आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। लेकिन विधान परिषद इससे बहुत पहले बन गई थी, 1912 में ही, 1913 के शुरुआत में ये अस्तित्व में आ चुकी थी। तो ये हम लोग देखेंगे। विधानसभा में बिहार में 243 सदस्यों की संख्या है। संविधान कहता है कि किसी भी देश का जो विधानसभा होगा उसमें सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 500 होगी और मिनिमम 60 होगी। किसी भी देश में 29 राज्य हैं, सभी राज्यों में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होगी और मिनिमम 60। लेकिन भारत में कुछ बहुत छोटे राज्य हैं, गोवा, सिक्किम जैसे राज्य नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर सदस्यों की संख्या एक्सेप्शन है, कहीं 40, कहीं 36, इस तरह से है। तो छोटे राज्यों में सदस्यों की संख्या को इसमें एक्सेप्शन के तौर पर माना गया है। लेकिन संविधान कहता है कि राज्यों में सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और मिनिमम 60 होगी। ये आप ध्यान में रख लें। बिहार में विधानसभा की सदस्य संख्या 243 है। ये सदस्य चुनकर आते हैं हमारी वोटिंग से, जिन्हें हम MLA कहते हैं। साथ ही विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन हो सकता है, जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। राज्यपाल एक सदस्य को विधानसभा में अपॉइंट करते हैं, मनोनीत करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 243 सदस्यों की संख्या है। किसी भी राज्य का जो विधानसभा का MLA होगा उसके चुनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। किसी भी राज्य की विधानसभा दरअसल चुनी जाती है 5 सालों के लिए, जम्मू कश्मीर में 6 सालों के लिए, ये ध्यान रखेंगे।
लेकिन भारतीय राज्यों में 5 सालों के लिए अपने पहले अधिवेशन से लेकर पूरे 5 साल का इसका टेन्योर होता है। लेकिन अगर राज्यपाल को ये लगता है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, तो वह राज्य वह राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है। तब राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल लगता है आर्टिकल 356 के तहत, यह ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद है, जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, वो उस राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी अगर इनमें से एक भी मिनिस्टर्स को भ्रष्टाचार पर बर्खास्त कर दिया जाएगा तो पूरी विधानसभा विघटित हो जाती है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि राज्यों के जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्य के विधानमंडल नहीं, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी होती है। दूसरी बात आता है उसके बाद, ये भी यहाँ पर फिर एक पॉइंट कि बिहार में विधानसभा के जो 1937 में गठित हुई, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रामदयालु सिंह। 1937 में बिहार विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार के बने रामदयालु सिंह। वर्तमान में विजय चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं यानी स्पीकर हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब आइए दूसरे सदन यानी राज्यों के अपर हाउस की बात करते हैं, जो है विधान परिषद। बिहार में भी विधान परिषद है यानी अपर हाउस है, इसे अपर हाउस कहते हैं, चूंकि विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं। विधान परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसा माना गया है कि समाज में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, तो उनकी सेवाएं कैसे ली जाएं? साथ ही एक ऐसा सदन होना चाहिए जो कभी डिसॉल्व ना हो, हमेशा लाइव रहे। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, उसी तरह से विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और ये सदन कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, हमेशा लाइव रहता है। तो कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण राज्यों में दूसरा सदन यानी बाइकैमरल हाउस का प्रोविज़न रखा गया। संविधान कहता है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद में यानी दूसरे सदन में सदस्यों की संख्या अधिकतम उस राज्य के विधानसभा का 1/3 होगा। फिर से आप समझ लें, विधान परिषद में यानी अपर हाउस में सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा का 1/3 होगा। जैसे बिहार में 243 है तो इसका 1/3 81 होता है, बिहार में कितना है 75, चूँकि अधिकतम 81 हो सकता है, हमारे यहाँ 75 है। साथ ही ये कहा गया कि मिनिमम संख्या 40 होगी, ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम 1/3 और मिनिमम संख्या 40 होगी। नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों को एक्सेप्शन के रूप में छोड़ दिया गया है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, बिहार में 243 विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। अब इनका चुनाव कैसे होता है? इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। इसके सदस्य चुने जाते हैं इनडायरेक्टली, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप ध्यान रखें, ये एग्जाम में आता है। विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव अलग अलग क्षेत्रों से होता है, 5/6 सदस्य इनडायरेक्टली चुने जाते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, अपॉइंटेड नॉमिनेटेड होते हैं। यानी अगर 60 सदस्य है तो उसका 5/6 होगा 50, तो 50 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली चुने जाएंगे और 1/6 यानी 10 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। तो इस तरह से होता है। अब ये जो इनडायरेक्टली 5/6 सदस्य चुने जाएंगे, उसमें से 1/12 सदस्य जो 3 साल पुराने ग्रेजुएट्स हैं वे चुनते हैं। ध्यान दें, विधान परिषद में जो 5/6 सदस्य इनडायरेक्टली चुने जाते हैं उसका 1/12 सदस्य चुना जाएगा 3 साल पुराने ग्रेजुएट्स की वोटिंग से। यानी हम आप अगर निर्वाचन नियमावली में हमारा नाम है वोटिंग में, तो हम जाकर MLCs को चुन सकते हैं, 3 साल पुराने ग्रेजुएट्स। साथ ही 1/12 सदस्य
वैसे टीचर्स या लेक्चरर्स के द्वारा चुने जाते हैं जो स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और रजिस्टर्ड है। ये 112 पार्ट 500 5 बटे 12 जो इनडायरेक्ट चुने जाएंगे उसका 1/12 भाग चुने जाएंगे प्रोफेसर्स और टीचर्स के द्वारा जो कम से कम 3 साल पुराने स्कूल या कॉलेजों में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। दूसरी बात, 1/3 एक तिहाई सदस्य चुने जाएंगे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ध्यान दें, विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए भी चुनेंगे एमएलसीज को। कितने? 1/3 सदस्य को चुनेंगे राज्यों के एमएलएस और 1/3 सदस्यों को चुनेंगे लोकल बॉडीज के सदस्य, जैसे जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, नगर पालिका, नगर बोर्ड और दूसरी स्थानीय जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये सब 1/3 सदस्यों को विधान परिषद के टोटल सीट्स के 1/3 सदस्यों को चुनेंगे और 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करेंगे। फिर से आप एक रिवीजन सुन लें, टोटल जो चुनाव होगा उसमें से 1/12 सदस्यों को एमएलसीज को चुनेंगे हमारे जैसे ग्रेजुएट्स जो 3 साल पुराने हों, 1/12 सदस्यों को चुनेंगे प्रोफेसर्स या टीचर्स जो 3 साल पुराने रजिस्टर्ड टीचर्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल्स में पढ़ाते हैं, 1/3 सदस्यों को चुनेंगे एमएलएज, फिर 1/3 सदस्यों को चुनेंगे लोकल बॉडीज़ के सदस्य, नगर पालिका, नगर बोर्ड या दूसरे इस तरह की संस्थाओं के सदस्य, और 1/6 सदस्य नॉमिनेटेड होंगे, नामित होंगे राज्यपाल के द्वारा। तो इस तरह से एमएलसीज चुने जाते हैं। अब बिहार में विधान परिषद का गठन इंटरेस्टिंगली 1913 में हुआ। 1912 में 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक अलग प्रांत बना, लेकिन उस वक्त बिहार के साथ उड़ीसा भी कंबाइंड था। अब ऐसे में भारत में जो राज्य बना उसमें शासन व्यवस्था चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए जिस विधायी संस्था का गठन किया गया उसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिल, यानी उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई और उसका एक काउंसिल, उसकी परिषद बनाई गई जो कानून व्यवस्था को के लिए कानूनों का निर्माण करती थी। 1913 में जनवरी 1913 में ये संस्था अपने अस्तित्व में आई, यानी बिहार विधान परिषद जनवरी 1913 में बिहार एंड उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिल के नाम से अपने अस्तित्व में आया। बिहार में जो पहली नियुक्ति हुई बड़े अधिकारी की वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। बिहार के पहले उपराज्यपाल थे सर स्टुअर्ट बेली, 1912 में बिहार के उपराज्यपाल बने। उनके काउंसिल के लोग ही मिलकर कानून बनाते थे, यानी विधान परिषद उस वक्त समय इसी तरह की थी। 1920 में बड़ा परिवर्तन आया, बिहार को अपना पहला राज्यपाल मिला। इस राज्यपाल का नाम था लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, यानी लॉर्ड एसपी सिन्हा, बिहार के पहले राज्यपाल, इससे पहले उपराज्यपाल होते थे। 1920 में ये बने। चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इसके द्वारा बिहार में विधान परिषद का यानी विधायिका का स्वरूप बदल दिया गया। एक राज्यपाल की नियुक्ति हुई, अभी तक उपराज्यपाल था, और जिस विधायिका का 1913 में गठन किया गया था जिसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर काउंसिल, उसका नाम अब हो गया 1921 में 7 फरवरी 1921 में बिहार एंड उड़ीसा विधान परिषद, नाम बदल गया। 7 फरवरी 1921 में विधान परिषद अपने नए रूप में सामने आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, और इसका नाम पड़ा बिहार एंड उड़ीसा विधान परिषद, यानी बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल, और पहले राज्यपाल बने सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। विधान परिषद में सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो सभापति यानी चेयरमैन जो बने उनका नाम था सर वॉल्टर मॉड। ये बिहार विधान परिषद के, बिहार एंड उड़ीसा विधान परिषद के उस समय चेयरमैन यानी सभापति बने। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से भी अलग हो गया। अब बिहार एक स्वतंत्र राज्य था। तब बिहार में जो विधान परिषद बनी 1937 में,
उसका नाम पड़ा बिहार विधान परिषद, यानी जो वर्तमान बिहार विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये 1937 में अपने अस्तित्व में आई और पहले विधान परिषद के चेयरमैन यानी सभापति बने राजीव रंजन प्रसाद सिंह। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, विधान परिषद के पहले चेयरमैन 1937 में जो स्वतंत्र बिहार बना उसके राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे, जबकि वर्तमान में जो विधान परिषद के सभापति हैं, चेयरमैन हैं, वे हैं हारून रशीद। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रेजेंट को भी। तो इस तरह से विधान परिषद क्रमशः बदलते स्वरूप में सामने आया, विधायिका इसी रूप में चली और आज वर्तमान स्वरूप में निकल कर आई है, जिसमें सदस्यों की संख्या 75 और विधानसभा में 243 है। तो आज के इस टॉपिक को यहीं पर रोकेंगे, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से एक नए संवाद के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इजाज़त लेंगे, अपना ध्यान रखें, मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करें, टेक केयर।